ये खरीद लिया है हमने पूरी प्रॉपर्टी को, और ये हमारा नया बिजनेस है, तो काफ़ी अच्छी खासी इससे भी इनकम हुआ करेगी। तो भैया मॉडिफिकेशन भी डन हो गई है हमारी गाड़ी की, और पहले कितनी खच्चर लग रही थी और अब देखो चमचमाती हुई वाइट थार जैसी लग रही है। हे गाइस, बस अब स्वागत है आपका GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। और आज भैया बहुत काम है, बहुत नहीं दो काम है लेकिन लंबे लंबे काम है। सबसे पहले तो मुझे अपनी इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवानी है अच्छे से, और इसके अलावा एक बिजनेस है यहाँ पर सोना डॉग करके ये वाला, तो इससे मेरे को बताया गया कि बहुत अच्छी इनकम होती है, लगभग 23,000 पर न्यूक्लियर वेस्ट। तो ये मैं ख़रीदने वाला हूँ, पहले मैं सोच रहा हूँ ये ख़रीद लेता हूँ आ जाके, क्योंकि आपको पता ही है माइकल, मैंने और फ्रैंकलिन ने मिलकर रॉबरी करी थी, जिससे हमें लगभग 4.5 करोड़ के आसपास पर बंदे को मिला था, $4.5 करोड़। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँ, कपड़े वपड़े भी अच्छे खासे ख़रीद लूँ और बिजनेसेस मतलब बिजनेसमैन बन जाऊँ मैं अभी टाइप का। तो गाड़ी का भी अपग्रेड करना है, नई गाड़ियाँ भी लेनी है मुझे, एक दो हेलीकॉप्टर भी लेने हैं, एरोप्लेन भी। तो वो सब आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना मुझे, और बाकी लाइक भी कर देना वीडियो को। बाय द वे, ये आप वीडियो देख रहे हो गेमिंग तक यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर ही मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ GTA की हफ्ते में 2 बार, तो सब्सक्राइब मार दो, और मेन चैनल को तो आपने मार ही रखा होगा। डोंट वरी आई एम अलाइव वेल विशेस। रोन के जो था वो चोट लग गई थी, तो $5,000 का उसका भी वो हो गया, चेकअप वगैरह करवाया डॉक्टर के। तो ख़रीदना चाह रहा था मैं काफ़ी टाइम से ये वाली, ये जो बिजनेस है अपना। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें ना बोट जाती है या सबमरीन जाती है नीचे पानी के, और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो इकट्ठा करके लाती है, और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, लगभग ₹23,000 का एक बार में, $23,000 का, सॉरी रुपये कह रहा हूँ। तो उससे अच्छी खासी इनकम हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा चलो ये बिज़नेस अपना स्टार्ट करके रोन को दे दूंगा संभालने के लिए, वो संभाल लिया करेगा और जो प्रॉफिट होगा मुझे फिर पकड़ा दिया करेगा, इसलिए ये मैंने डिसीज़न लिया। और उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी इस खच्चर जीप को कन्वर्ट करवाने या मॉडिफाई करवाने, क्योंकि भैया फ्रैंकलिन ने गोल्ड लैम्बोर्गिनी ले ली, माइकल के पास बुगाटी शेरोन है, और भी अच्छी अच्छी गाड़ी है। शिट 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 शिट, पीछे तो मैं क्यों पीछे रहूं भैया, हम भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेंगे। मेरा ज़्यादा मन जो है लेने का वो है हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वगैरह में, तो मैं उसी में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, हेलीकॉप्टर लूँ या एरोप्लेन लूँ, क्या लूँ, कौन सा लूँ। बाकी गाड़ी को मैं थोड़ा बहुत अपग्रेड करवा लूँगा, मतलब मॉडिफाई करवा लूँगा, लुक्स के मामले में भी और थोड़ा परफॉर्मेंस के मामले में भी, ताकि मस्त हो जाए। और ये एरियाओं में पता नहीं माइकल और फ्रैंकलिन को आना पसंद नहीं है, मेरे को इतना मज़ा आता ना यहाँ पर ऑफ रोडिंग करने में। मैं तो कह रहा था फ्रैंकलिन को अपनी रेंज रोवर लेकर आ जाए यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन आता ही नहीं है, मैंने कितनी बार बुलाया। कोई नहीं, अभी मैं शहर जाऊँगा लॉस सैंटोस कस्टम्स। ओ ओ ओ ओ शिट, एक्सीडेंट हो गया भाई। कोई नहीं, मॉडिफाई करवानी है गाड़ी, हो भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी काफ़ी ज़्यादा खच्चड़ हुई पड़ी है यार, संभाल ही नहीं जा रही। पता नहीं कौन से रास्ते से दिखा रहा है ये मैप भी, रास्ता ऊट पटांग सा इतना ज़्यादा, ऐसे गलियों गलियों में से निकाल के। पर ऑफ रोडिंग का यहाँ पे अलग ही मज़ा आ रहा है। अगर फ्रैंकलिन की बाइक मिल जाए ना, वो BMW GS, अरे 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 बच गए बच गए बच गए बच गए, शिट 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 शिट, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा, बच गए बाल बाल, अभी एक्सीडेंट हो जाता। तो मैं कह रहा था फ्रैंकलिन को अगर उसकी BMW मिल गई, यार ठुके क्यों जा रही है। हाँ तो बाइक अगर मिल गई उसकी BMW, तो मैं उसे कहूँगा कि भैया आ जाए यहाँ पर, मस्त ऑफ रोडिंग करेंगे। और एक खरगोश, शेट, ये पुलिस वैन क्यों यहाँ पे गेड़िया मार रही है भाई, यहाँ क्या क्राइम होता है भाई। बहुत हालत ख़राब हो गई है गाड़ी की, संभल नहीं रही है ढंग से। और वैसे भी इस जंगल में ना बहुत सारे जानवर भी है, तो शेर वेर तो ऐसे ही आ जाते हैं कभी भी, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। ये इसका डॉग है। लो भैया हम पहुँच गए बस अपनी लोकेशन पर भैया। यहाँ से जाना है ना, हाँ तो ये देखो यहाँ से वो सोना डॉक हम ख़रीद लेंगे, और फिर जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो निकाला करेंगे हम समुद्र के अंदर से। तो यहाँ गड्डी नू खड़ी कर देता हूँ मैं, और नीचे चलते हैं भैया। और कपड़े भी मुझे अच्छे से लेने हैं, ये क्या सड़े हुए कपड़े पहन रखे मैंने, अच्छे अच्छे कपड़े लूँगा मस्त मस्त। ओहो रोलिंग शॉलिंग। तो ये है वो प्रॉपर्टी सोनर कलेक्शन डॉक, 2,50,000 डॉलर्स का। तो 23,000 देख सकते हो डॉलर जो है वो पर न्यूक्लियर वेस्ट मिलता है,
कर देते हैं परचेस कंफर्म। और ये ख़रीद लिया हमने पूरी प्रॉपर्टी को और ये हमारा नया बिजनेस है, तो काफ़ी अच्छी खासी इससे भी इनकम हुआ करेगी। यू विल रिसीव 23,000 पर न्यूक्लियर वेस्ट फाउंड। तो ये सबमरीन है देखो, इसमें जाके ढूंढना होता है वो। तो कभी कभी मैं चला जाया करूँगा न्यूक्लियर वेस्ट ढूंढने के लिए, कभी कभी मैं रोन को भेज दिया करूँगा। बट ये है कि हाँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, काफ़ी महंगी बिकती है। तो अभी तो मैं नहीं जा रहा, 25 लाख कट चुके हैं मेरे, 25 लाख नहीं 2.5 लाख, 25 लाख कह रहा हूँ, $2.5 लाख। तो ऊपर चल के अब मैं सब फटाफट से पहले अपनी मॉडिफिकेशन करवाता हूँ गाड़ी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो गाड़ी है और एक्सीडेंट भी इतने कर दिए मैंने रास्ते भर में। तो थोड़ा अच्छा से इसको सेट कर देते हैं। लो भाई उनका मैसेज भी, ईमेल भी आ गया, लॉस सेंटोस कस्टम्स कहाँ है। तो सबसे पास वाला तो ये है शायद, और यहाँ पे क्लोथिंग का भी अच्छा है। चलो डिस्काउंट स्टोर, यहाँ से कपड़े भी ख़रीद लूँगा कुछ। निकलते हैं भैया, पहले तो मॉडिफिकेशन करवाते हैं अपनी इस गाड़ी नी। भगो भगो भगो। लो भैया बस आ ही गया है लॉस सेंटोस कस्टम्स, जल्दी से मॉडिफिकेशन करवा लेता हूँ अपनी इस खच्चड़ गाड़ी की। अरे बड़ा बेशरम है, ना इंडिकेटर दिया ना कुछ दिया, बस घुसा रहा है साइड में आके। यार हद हो गई। ओ ओ ओ ओ, किसी को जरूरत है। कॉप्स क्यों? चलो जी बाय। रॉबरी करने का इन्हें बहुत शौक है, बताओ। अच्छे भले इंसान के इतनी चीजें चुरा के ले जा रहे हैं। लो जी लो जी लो जी, कहाँ है उनका ये रहा? चिटिए कौन आ रहा है? अबे यार ये बाइकर फिर आ गए, ये बहुत दिमाग खाते हैं बाइकर्स। इस एरिया में ना इन्होंने खून पी रखा है। पर उनका सामान कहाँ है? ये रहा, चलो मिल गया, लौटा देता हूँ उसको जाके, और फिर मॉडिफिकेशन कराएंगे। मतलब इस पूरे गांव की ना मेरे को ही रखवाली करनी पड़ती है, पुलिस वुलिस तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिव है ही नहीं। चल 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 निकल तू जल्दी, होल्ड ऑन अ सेकेंड, देयर इज अ गाय कमिंग। ले भाई ले। देयर यू गो, आई पर्सुएडेड हिम टू चेंज हिज माइंड। रिस्पेक्ट मैन, अबव एंड बियॉन्ड। पील ऑफ अ फ्यू नोट्स फॉर योरसेल्फ। ये पुलिस अब आई है, आई हैव ट्राइड टू किल देम ऑल एनीवे। पुलिस के, अच्छा फायर ब्रिगेड है ना ये। तो लॉस सैंटोस कस्टम्स भी यहीं पे ही है, मैं पहले मॉडिफिकेशन करवा ही लेता हूँ, बहुत देर हो गई। उलझा सेम सेम, बहुत छोटा है यहाँ पे तो। ये आर्मर में भैया फुल कर दो आर्मर तो हमारा, ब्रेक्स भी बढ़िया वाली रेस ब्रेक्स, बम्पर फ्रंट बम्पर में। ओ कूल, थार में चेंज कर देता हूँ इसको, ये भी नहीं अच्छा, ये सही लग रहा है नया नया सा। रियर बम्पर में, हाँ ये नया सा, पता नहीं जंग वाली चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं। चेसी क्या फ़र्क है ज़्यादा? नहीं भाई लाइट तो दिखानी है, स्टोक नहीं रखेंगे, ये रख लेते हैं, अच्छी लग रही है। इंजन भी फुल करवा देते हैं, फेंडर्स। ओ कूल, ये रखते हैं ग्रिल में, यही सही लग रही है। हुड स्टॉक, हुड नहीं लगवाऊंगा, अच्छा नहीं लग रहा। ओहो भाई बुल हॉर्न्स ये लगाते हैं, लाइट्स में कुछ नहीं करवाना। हाँ रीस्प्रे में थोड़ी सी प्राइमरी कलर क्रोम, क्लासिक में कौन सा कलर करवा सकता हूँ मैं? डार्क भी नहीं अच्छा लग रहा, ग्रेफाइट, वाइट अच्छी लग रही है ना। रोल केज, ओ ये भी है सिस्टम इसमें, ये सही है। ट्रांसमिशन भी, रेस ट्रांसमिशन, टर्बो भी करवा लेंगे, व्हील्स तो सही है, विंडो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लो भैया, ओ पुलिस की वो है तो, है ना। लो भैया मॉडिफिकेशन भी डन हो गई है हमारी गाड़ी की, और पहले कितनी खच्चड़ लग रही थी, और अब देखो चमचमाती हुई वाइट थार जैसी लग रही है, पीछे से नहीं लग रही, बस टूल बॉक्स रखा हुआ है। पर ठीक है यार, अच्छी लग रही है,
सही है ना, बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। अगर कोई और मॉडिफिकेशन कहते हो आप तो मैं फिर से करवा लूँगा। बाकी कभी आप चाहते हो कि मैं वो न्यूक्लियर वेस्ट ढूंढने भी जाऊँ और उसका भी ब्लॉग बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। नए हो चैनल पर तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, मेरे वाले को भी करो। अरे यार इनको भी पुलिस वालों को मदद करते हैं। चलो काहे ना ब्रीफ के टच करे बेटा, पैसा दिया है। ओ खर चलो भैया इन्हें पता भी नहीं चला मैंने चुरा लिया। निकल लो पैसा तो मिल ही गया। हाँ तो चलो भैया फिर लाइक शेयर कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका। बाय।